अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखा किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? मैं तो अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आई होप आप भी सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सुफियानी बिरयानी। वैसे आप इसे मलाई बिरयानी भी, मटन मलाई बिरयानी भी कह सकते हैं, आप इसे व्हाइट मटन बिरयानी भी कह सकते हैं, बट ये मटन सुफियाना बिरयानी है, सुफियानी बिरयानी है। अच्छा, कुछ मैंने मटन की रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की है इसी दौरान, तो आप देख सकते हैं, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ। और आप मेरे चैनल पर भी जाएंगे तो आपको सारी रेसिपीज आजकल में जो मैंने पोस्ट की है बकरी स्पेशल के लिए, वो सारी मिल जाएगी। और कुछ पहले भी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए, पूरा प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए डाल देती हूँ, मजा कीजिए। रेसिपी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी रेसिपी होगी ना। चलिए, ये है आधा किलो गोश्त। इसकी मैंने चर्बी निकाल ली, दो तीन पानी से धो के नितार के एक बाउल में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर, दो टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप चाहे तो बाजार का भी लेके डाल सकते हैं। इसके साथ साथ डाल दीजिए 150 ग्राम दही। अच्छा, मैंने ना यहाँ मिर्च में 4 से 6 मिर्चियों को कूट लिया, आप चाहे तो पीस कर डाल सकते हैं। वैसे इसमें लाल मिर्ची और वो सब नहीं डाली जाती है, वाइट होती है ये, तो थोड़ी सी कोथमीर डाल दीजिए और थोड़ा सा पुदीना डाल दीजिए, आधा नींबू का रस भी डाल दीजिए। और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर कर इसे आधे एक घंटे के लिए मैरिनेट करने साइड पर रख दीजिए। चलिए, आधा घंटा हो चुका है, अब मैं फटाफट यहाँ पर मटन को कुकर में बना लेती हूँ। अगर आपके पास ज्यादा समय हो तो आप डायरेक्टली पतीली में बनाइए, पतीली में बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर टेस्ट आता है, बट मेरे पास समय नहीं है तो मैं कुकर में बना रही हूँ। चलिए कुकर में बनाते हैं। कुकर के अंदर 3-4 बड़े चम्मच तेल के डाल दीजिए और 2 बड़े चम्मच असली घी के डाल दीजिए। आप चाहें तो पूरी तरीके से भी तेल ले सकते हैं। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। वैसे बिरयानियों में आपको पता है तेल और घी जरा ज्यादा ही डाला जाता है, बट आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। अब गरम मसाले डाल दीजिए, 5-6 लौंग, 8-10 काली मिर्च, 2 तेज पत्ता, 1-2 बादियान और 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 2 डंडी दालचीनी की, 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, आप चाहें तो शाह जीरा भी डाल सकते हैं। ये सारे गरम मसाले इसमें डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और ये जो गरम मसाले इन्हें तड़तड़ा जाने दीजिए। ये साइड पर मैंने 2 प्याज को, मीडियम साइज की प्याज थी उसे बारीक काट लिया है स्लाइस में। अब जब तड़तड़ा जाए तो ये प्याज डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर फ्राई करें। तब तक फ्राई करें जब तक हल्की सी कच्ची पक्की नहीं हो जाती, वहां तक इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वाइट है तो आप समझ सकते होंगे। और ये जब कच्ची पक्की हो जाती है तो ये सारा जो मटन हमने मैरिनेट करके रखा था ये सारा डाल दीजिए और इसे भी तकरीबन 5-6 मिनट तक फ्राई कीजिए फास्ट आंच पर। जब 5-6 मिनट हो जाते हैं तो 3/4 कप पानी डाल दीजिए। वैसे ये पानी मैं उसमें चलाकर डाल रही हूँ जिसमें मैरिनेट करने रखा था हमने, ये सारा डाल दीजिए और इसे मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और फास्ट आंच पर 2-3 सीटी खिला लीजिए। जब 1-2 सीटी हो जाए तो उसे स्लो आंच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट पकने दीजिए। ये आधा किलो बासमती राइस है, ये मैं तो लोकल के ही इस्तेमाल करती हूँ, एक ही शॉपकीपर है, वो हमें भेजते रहते, वो 100 रुपए किलो वाले होते हैं ना, वो वाले। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड के ले लें, बट मैं हमेशा लूज लेती हूँ। इसे मैंने 2-3 पानी से धो लिया और आधे घंटे पहले से भिगाने रख दिया था साफ पानी के अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और प्रिपरेशन की है। 10 मिनट पहले ना 50 ग्राम काजू को मैंने आधे कप दूध में इसमें भिगा के रख दिया, तो फटाफट हमारा पीसा जाएगा ना। अब यहाँ पर मैंने साबुत काजू लिया, आप चाहे तो टुकड़ा काजू ले सकते हैं। दूसरी बात, मैंने यहाँ 50 ग्राम काजू लिए, आप चाहे तो 25 ग्राम काजू लिया और 25 ग्राम मगज के बीज ले सकते हैं। इसी तरीके से डाल दें दोनों को और फिर पीस ले 10-15 मिनट के बाद। मैं इसमें एक हरी मिर्ची डाल के इसे पीस लेती हूँ। इसमें इसके लिए ये दूध में भिगाया जाता है क्योंकि क्विकली फटाफट पीसा जाएगा, नहीं तो कभी कभी दाने टाइप रह जाते हैं। चलिए मैं इसको पीस के फिर मिलती हूँ आपसे। इससे मसाला ज्यादा बनेगा। अगर आपको कम मसाले वाली चाहिए तो 50 ग्राम काजू के बजाय 25 ग्राम काजू को पीस ले इस तरीके से और साइड पर रख दें। आधा घंटा हो चुका है चावलों को भीग के, तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर जितना पानी बॉईल के लिए रख दिया है। 3-4 काली मिर्च डाल दीजिए, 3-4 लौंग, 1 डंडी दालचीनी की, 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा, 2-3 हरी इलायची, 2 तेज पत्ता भी डाल दीजिए
और नमक उसके चावलों के भाग का, और ज्यादा ही नमक डालिएगा सो दैट जब हम नितारें तो पूरी तरीके से चावलों में नमक चढ़े। 3-4 हरी मिर्चियां डाल दीजिए स्लिट मारकर, थोड़ी सी कोथमीर डाल दीजिए बारीक कटी हुई, थोड़े से पुदीने डाल दीजिए, आधा नींबू का रस डाल दीजिए सो दैट अच्छे छुट्टे छुट्टे खिले खिले से चावल बने, और 1 से 2 टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। चलिए बॉईल आ जाए तो नमक पहले चख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होना चाहिए ये वाला पानी कि खारा होना चाहिए तो ही उसमें वो नमक चढ़ेगा, ज्यादा ही डालना है नमक इसमें। चलिए जब बॉईल आ जाता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर नितार कर ये चावलों को सारे कर डाल दीजिए और इसे पकाइए। आप 1 से 2 बार बीच में चला लीजिएगा, फास्ट आँच ही रखिएगा, और आपने तब तक पकाना है जब तक आप जब इसे तोड़ेंगे ना एक अपने उंगली में लेके तो उसके 2 टुकड़े हो जाने चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए कि वो मैश हो जाए, नहीं तो वो सॉगी टाइप हो जाएंगे। मैंने चावलों को 1.5 घंटे पहले भिगाने रखा था, अभी इस समय ये 5 मिनट के बाद इस तरीके से हो गए हैं बॉईल आने के बाद। अब आपके बॉईल आने के बाद 5 मिनट भी ले सकते हैं या 7-8 मिनट भी हो सकता है, तो वो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपके चावलों की क्वालिटी के ऊपर होगा। चलिए मैं इसे नितार कर इसे छान लेती हूँ और इसे साइड पर रख देती हूँ। आप देख सकते हैं चावल कितने परफेक्टली बने हैं। कुकर को भी 15 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। अच्छा यहाँ पर मैंने है ना थोड़े से काजू निकाल के रखे थे, ये आप देख सकते हैं। इसे मैं थोड़े से घी के अंदर, जो ऊपर घी डालने वाली हूँ ना उसी के अंदर थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ तो बढ़िया से मजेदार लगेंगे ऊपर डालने के लिए। अगर आपको नहीं डालना है मत डालिएगा, सिर्फ घी डाल दीजिएगा। अच्छा यहाँ पर ये हो चुका है, मैं इसे बंद कर चुकी हूँ कुकर को, और यहाँ पर थोड़ा अच्छा खासा प्रेशर निकल गया तो आप खोलकर चेक कर लेते हैं कि मटन गल गया है कि नहीं। अच्छा अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो पानी डालकर तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए उसे ढककर रख दीजिए स्लो आंच पर, 1.5 घंटे के बाद चेक कर लीजिए। अगर नहीं हुआ हो गोश्त तो और 5-10 मिनट रहने दें, अगर कम लगे पानी तो थोड़ा सा डाल दीजिए, 1.5-2 घंटे के अंदर तो गोश्त हो जाएगा बढ़िया सा। मैंने कुकर में बनाया, मैं इसे खुलकर चेक कर लेती हूँ। मटन चेक कर लीजिए, ये देखिए मेरा तो मटन पूरी तरीके से हो चुका है, तो चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और ये जो आपको पानी दिख रहा है ये हमें ऑलमोस्ट सुखाना है और फास्ट आंच पर रहने दीजिए, बार बार चलाते रहिए। और ये जो प्याज दिख रही है वो भी इसी दरमियान में पूरी तरीके से भून जाएगी और घुल जाएगी। ये देखिए कुछ देर बाद आप इस तरीके से देखेंगे कि प्याज भी पूरी तरीके से घुल चुकी है और जो तेल है बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। जब तेल ऊपर आ जाए तो इसमें से थोड़ा सा तेल निकालकर साइड पर रख दीजिए, हम बिरयानी के चावलों के ऊपर डालेंगे तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए ये भी मैं भी थोड़ा सा निकाल लेती हूँ और इसे साइड पर रख देती हूँ। चूल्हा मैं अभी मीडियम आंच कर देती हूँ। आप देख सकते हैं प्याज पूरी तरीके से घुल चुकी है, ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये जो हमने साइड पर पीस के रखा था काजू का पेस्ट, ये सारा डाल दीजिए। 1/4 कप पानी ये मिक्सर जार के अंदर डालकर मैं चलाकर इसमें डाल देती हूँ ये ग्रेवी के अंदर, मिक्स कर लीजिए। मलाई भी डाल दीजिए 1/4 कप जितनी, आप चाहे तो बाजार की ले सकते हैं, आप चाहे तो घर की भी जो दूध के ऊपर की मलाई है वो 1/4 कप ले लीजिए और डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए इसे भी और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर पकने दीजिए। आप बार बार चलाते रहिएगा कि नीचे चिटके ना। चलिए 3-4 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। देख सकते हैं मीडियम आंच पर था, मैं बार बार चला रही थी। जब चूल्हा बंद कर दे तो 1/4 कप जितना बिरिस्ता इसमें डाल दें, ये घर का बना हुआ, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। थोड़ी सी कोथमीर डाल दें, थोड़ा सा पुदीना डाल दें, मिक्स कर कर इसे साइड पर रख दीजिए। अच्छा अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा असली घी गरम पे रखा है, इसमें जो साइड पर मैंने काजू रखे थे वो डाल दिए और उसे फ्राई कर कर निकाल कर नितार कर रख देती हूँ साइड पर। अब जो बिरयानी की पतीली है उसके अंदर नीचे तेल डाल दीजिए, ये वही तेल है जिसे हमने निकाला था मटन में से। अब आधे सारे चावल बिछा दीजिए पूरी तरीके से, आधे डाल दीजिए। अच्छा अब यहाँ 2-3 तरीके मैं आगे आपको बता दी हूँ आप क्या कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधे चावल डाल दिए, अब ये चावलों के ऊपर ना मैं 1/4 कप जितना दूध डाल रही हूँ। यूजुअली मैं हमेशा दूध डालती हूँ और थोड़ी सी कोथमीर डाल देती हूँ इसके ऊपर। उसके बाद ये जो हमने मटन का सालन बना के रखा है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये सारा डाल दीजिए। इसके बाद ये जो इसे फैला दीजिएगा, थोड़ा सा बिरिस्ता डाल दीजिए, थोड़ी सी कोथमीर डाल दीजिए, फुदीना थोड़ा सा बारीक कटा हुआ डाल सकते हैं आप, और मैं 2-3 हरी मिर्चियां इसके ऊपर इस तरीके से रख रही हूँ, ज़्यादा स्पाइसी वाली नहीं है, आप ये टोटली स्किप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर फिर से एक लई ये जो चावल है उनकी लगा दीजिए इस तरीके से, अच्छे से फैला दीजिए।
वो जो तेल मटन में से निकला था हमने साइड पर रखा था, ये सारा चावलों के ऊपर डाल दीजिए, कोथमीर भी डाल दीजिए, थोड़ा पुदीना डाल दीजिए, काजू जो हमने फ्राई करके असली घी में रखे हैं साइड पर वो भी डाल दीजिए, थोड़े प्रेजेंटेशन के लिए साइड पर निकाल कर रख दीजिएगा, हाँ सारे मत डालिए। उसके बाद ये भी डाल दीजिए जो हमने जिसमें असली घी में फ्राई किया था, तो ये सारा असली घी में डाल देती हूँ। इसके साथ साथ बिरिस्ता थोड़ा सा ऊपर से डाल दीजिए, मैं फिर से थोड़ी सी कोथमीर और पुदीना डाल देती हूँ। अच्छा, इसमें कलर नहीं डाला जाता है तो इसके लिए मैं ज़ाफ़रान भी नहीं डाल रही हूँ, ना ही फूड कलर दूध में डाल रही हूँ, सादा दूध में डाल देती हूँ। यूजुअली मैं हमेशा दूध डालती हूँ, जैसे आपने नोटिस किया होगा मेरी सारी बिरयानी में, तो 3/4 कप दूध मैंने ड्रिजल कर दिया। अब इसे ढक कर धीमी आँच पर 20 से 25 मिनट दम पर रहने देती हूँ, कुछ ऊपर वजन रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने उसे दम पे रख दिया है बिरयानी को। अच्छा, अगर मैंने तो डायरेक्टली, मेरी पतीली पतली है तब भी मैंने नीचे तवा नहीं रखा है, मुझे पता है किस समय मुझे बंद करना है, बट अगर आपकी बहुत ज्यादा पतली हो तो आप तवे को एक साइड पे गर्म कर लीजिए फास्ट आंच पर, फिर इसके नीचे रख के स्लो आंच कर दीजिएगा, पर मैं तो ऐसे ही रखती हूँ। अच्छा, आप चाहें तो साइड से सीव भी कर सकते हैं, आटे की लाई लगा आटा आटा गूना हुआ होगा आपके पास, या थोड़ा सा लाइटली गून लीजिए और चारों ओर उसे बंद कर दीजिए, तो दम पे बहुत ज्यादा अच्छे से पक जाएगी 15-20 मिनट में। तो चलिए, मैं तो इसे ये दम पे रख दी हूँ और मैं अभी 15-20 मिनट के बाद इसे चेक करूंगी। चलिए, 25 मिनट हो चुके हैं, मैं खोल लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह क्या भाप फूटी है, आप देख सकते हैं। एक टेस्ट कर लीजिए, पीछे इस तरीके से चम्मच डालें और क्लीन निकले, इसका मतलब हो चुकी है। अगर हल्का भी गीला है तो 5-6 मिनट के लिए और रख दीजिए। चलिए, चूल्हा कर दीजिए बंद, मैं 10 मिनट के लिए उसे ऐसे ही रहने देती हूँ। चलिए, 10 मिनट हो चुकी है, मैं निकाल लेती हूँ। वाह, ये आप देख सकते हैं कितनी मजेदार सी लग रही है, चावल भी छुट्टे छुट्टे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे गर्मा गर्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए दाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी ना, हम लोग थोड़ी सी मसाले में लगी हुई बिरयानी होती है तो हमें वो ज़्यादा पसंद है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कम मसाले वाली पसंद है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, 50 ग्राम काजू की बजाय 25 ग्राम काजू लीजिए। अगर आप काजू और मगज ले रहे तो आधा आधा 12-13 ग्राम काजू ले लीजिए, 12-13 ग्राम मगज के बीजे ले लीजिए। अच्छा, अब दूसरा वे ये है कि जब आप एंड में ये जो काजू और इसका पेस्ट डालते हो और ये जो मलाई डालते हो, तो उस समय थोड़ा ज़्यादा सुखा दीजिएगा तो ग्रेवी कम बनेगी। तीसरा तरीका ये है कि मैंने आधा लेयर पूरा चावलों का दे दिया था, आप वैसा मत कीजिए, 2-3 बड़े चम्मच नीचे चावलों के डाल दीजिए तेल डालने के बाद, उसके बाद ग्रेवी सारी बिछा के उसके ऊपर चावल बाकी के सारे डाल दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, ग्रेवी जल्दी सूखेगी और आपको कम ग्रेवी मिलेगी। लेयरिंग आप चाहें तो जैसे दो तरीके मैंने अभी आपको बताया वैसे कर सकते हैं, या तीसरा तरीका ये है कि नीचे थोड़ा सा चावल डालें, फिर ग्रेवी डालें, फिर चावल डालें थोड़े से, फिर वापस ग्रेवी डालें और फिर वापस थोड़े से चावल डालें। ये भी तीसरा तरीका है आप लेयरिंग करने का, आपको जो पसंद है आपके हिसाब से आप वैसे टाइप की लेयरिंग कीजिए। हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। और मैंने बिरयानी की सीरीज शुरू की है, कुछ बिरयानी की रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो ये बन गई हमारी कौन सी बिरयानी, मटन सुफियानी बिरयानी, आप इसे मटन मलाई बिरयानी भी कह सकते हैं और व्हाइट बिरयानी भी कह सकते हैं। मटन की थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की बनी है, इसमें मसाले कम होते लेकिन बढ़िया सी मजेदार है। चलो खा के मैं आपको बता देती हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही मजेदार है, थोड़े पोटी भी देखिए, बहुत अच्छे से हो चुकी है, मटन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो मैं अभी फिलहाल बूटी के साथ खाके देखती हूँ। बहुत ही मजेदार है, मैं तो जल्दी जल्दी अभी इसके बाद खाना खा रही हूँ। चलिए, आप भी आइए, बोलिए बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। कुछ बकरीद की रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अच्छा, बिरयानी का खाने का जो मजा है ना, हाथों से ही है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही तेज ही मजेदार है। अच्छा। और बस फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन, एंजॉय सुफियानी बिरयानी, मटन की मलाई मटन बिरयानी कहिए या वाइट बिरयानी। हाँ, मैंने रायता नहीं बनाया है,
क्योंकि जरूरत नहीं लगी आज, स्किप कर दिया है, आप चाहे तो रायता बना सकते हो, रायते के साथ सर्व कीजिए ईद पे, बकरी ईद पे, या उसके बाद आपके पास मटन पड़ा हो उससे बना लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।